हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महंत। वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रिसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के आधुनिक तकनीक, नए मेथड्स, रिसेंट मेथड्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। गाइस, रिसेंट मेथड्स के बारे में जानने से पहले पेस्ट कंट्रोल क्या होता है ये जानना जरूरी है। पेस्ट कंट्रोल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर से एक बार पेस्ट कंट्रोल को रिपीट करें। तो पेस्ट कंट्रोल इज़ अ रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ स्पीसीज डिफाइंड एज अ पेस्ट। दैट मीन्स ऐसे जीव, ऐसे स्पीसीज जिनको हम पेस्ट के रूप में जानते हैं, उनका मैनेजमेंट करना जिससे कि हमारे उपज, हमारे उत्पाद, हमारे फसल बचे रहें, उसको हम पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। अ मेंबर ऑफ एन एनिमल किंगडम दैट इम्पैक्ट एडवर्सली टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ऐसे जीव जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं। तो उनका कंट्रोल करना ही पेस्ट कंट्रोल कहलाता है। रिसेंट मेथड्स के बारे में अगर बात करें तो रिसेंट मेथड क्या हैं, कौन कौन से हैं। रिसेंट मेथड, चूँकि मैं आईपीएम के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आईपीएम में सारे के सारे जो मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं, जो मैनेजमेंट करने के जो उपाय हैं, जो कंट्रोल करने के उपाय हैं, उन सभी मेथड्स को, मैनेजमेंट करने के जो मेथड्स हैं, सभी मेथड्स को इस प्रकार से इंटीग्रेट करके यूज़ करना जिससे कि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे, इको बैलेंस बना रहे, वो कहलाता है इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में लास्टली हम किसी पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए केमिकल का सहारा लेते हैं। बट रिसेंट मेथड्स में हम केमिकल का ही यूज़ करते हैं, बट हम केमिकल का कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं जिससे कि इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो रिसेंट मेथड्स में फर्स्ट है एंटीफिडेंट। इनके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एंटीफिडेंट, इंसेक्ट एट्रैक्टेंट। एंटीफिडेंट दैट मीन्स जो इंसेक्ट्स पेस्ट को हमारे जो उत्पाद हैं उनको खाने से रोकता है। दूसरा इंसेक्ट एट्रैक्टेंट, ये जो मेथड्स है रिसेंट मेथड्स, हमें इस रिसेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी पेस्ट स्पीसीज या किसी भी स्पीसीज स्पेसिफिक को नष्ट नहीं करते हैं, किसी भी जीव को हम मारते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने उत्पाद को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो उपज हैं, हमारे फसल हैं, उनको बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य किसी भी जीव को मारना नहीं होता। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एंटीफिडेंट, जो कि उनको खाने से रोकता है। ऐसे जैसे कोई हमारा कोई उत्पाद है तो उसमें किसी ऐसे चीज़ को मिक्स करना जिससे कि वो उस पेस्ट के खाने योग्य, उनके ग्रहण करने योग्य ना रहे। दूसरा है इंसेक्ट एट्रैक्टेंट। इंसेक्ट एट्रैक्टेंट दैट मीन्स ऐसे चीज़ों को यूज़ करना जो कि इंसेक्ट पेस्ट जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करके रखे और हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो उनसे बचा रहे। देन इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब दूर भगाने वाला। हम अपने उत्पाद के साथ में कुछ ऐसा चीज़ रखते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट्स उनसे दूर रहें। देन नेक्स्ट इज जेनेटिक कंट्रोल या ऑटोसाइडल कंट्रोल एंड देन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स का भी हम यूज़ करते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीफिडेंट्स या गैस्टेटरी रिपेलेंट का। एंटीफिडेंट्स को ही गैस्टेटरी रिपेलेंट्स या फीडिंग डिटेरेंट्स भी कहा जाता है। इसी को रिजेक्टेंट्स भी कहा जाता है। रिजेक्टेंट्स दैट मीन्स जो रिजेक्ट करवाता है। दैट मीन्स जो फीडिंग डिटेरेंट्स है वो किसी प्रकार से पेस्ट को, हमारे उत्पादों को खाने से, फीड करने से रोकता है। अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट स्टॉप्स और इनहिबिट फीडिंग बाय अ पेस्ट एंड स्पेशली एन इंसेक्ट। दैट मीन्स ऐसा कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जिसको हम अपने उत्पाद के साथ में, हमारे उपज के साथ में डालते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, उसमें रखते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिससे कि जो पेस्ट स्पीसीज हैं, जो पेस्ट हैं स्पेशली इंसेक्ट्स, उनके खाने योग्य नहीं रहता, वो एंटीफिडेंट कहलाता है।
व्हेन अप्लाइड ऑन द फॉलेज विदाउट इम्पेयरिंग देयर एपेटाइट। ये जो है इसका जब हम यूज़ करते हैं फॉलेज में या कहीं भी उत्पाद पे, तो ये हमारे उत्पादों पे बिना किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव डाले ये इंसेक्ट पेस्ट को उससे दूर रखता है। पेस्टिसाइड्स डिराइव फ्रॉम प्लांट सच एज नीम ट्री विच एक्ट एज एंटीफिडेंट एंड रिपेलेंट। जो एक एग्जाम्पल है नीम ट्री का, दैट मीन्स नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है, नीम का लीफ है एजाडिरेक्टिन या फिर नीम ऑयल है। तो ये जो है नीम सीड एक्सट्रैक्ट या फिर नीम ऑयल या नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, इस ये एक बोटनिकल पेस्टिसाइड है जो कि पेस्ट के लिए एंटीफिडेंट का काम करता है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उसके तीक्ष्ण गंध के कारण या उसके कड़वे स्वाद के कारण जो कीट होते हैं हमारे फसलों पे, हमारे उत्पादों पे अटैक नहीं कर पाते हैं। इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो दे इनहिबिट गस्टेटरी रिसेप्टर्स और टेस्ट रिसेप्टर्स ऑफ द माउथ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स। ये जो है हमारे जो प्रोडक्ट होता है जिसमें हम एंटीफिडेंट का यूज़ करते हैं, या तो उसका टेस्ट बदल देता है जिसकी वजह से जो पेस्ट हैं उस पे फीड नहीं कर पाते हैं, या पेस्ट स्पीसीज इंसेक्ट के लिए वो अपाच्य या उनके भोजन करने योग्य उसको नहीं रखता, दैट मीन्स भोजन करने उनके खाने योग्य नहीं रहता, जिससे कि हमारा जो उत्पाद है बचा रहे। एंटीफिडेंट्स को हम चार ग्रुप में बांट सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ट्रायोजेंस, देन सेकेंड वन इज ऑर्गेनोटिन्स, थर्ड वन इज कार्बोमेट्स एंड फोर्थ वन इज बोटेनिकल्स। कार्बोमेट्स और बोटेनिकल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, नॉर्मली बोटेनिकल्स का यूज़ किया जाता है। बोटेनिकल्स में नीम का, पायरेथ्रम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आसानी से नीम की पत्तियां कहीं भी मिल जाती हैं जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। देन एंटीफिडेंट के एडवांटेज कौन कौन से हैं, तो एंटीफिडेंट जो है ये सभी के लिए सेफ होता है, मैमल के लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। इसका किसी प्रकार से कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता किसी भी मैमल्स पे, और पेस्ट नॉट इमिजिएटली किल्ड सो नेचुरल इनिमीज कैन फीड ऑन देम। इसमें एंटीफिडेंट का यूज़ करने से जो हमारा पेस्ट स्पीसीज है वो मरता नहीं है, सिर्फ हमारा जो उत्पाद है वो बचा हुआ रहता है। जो पेस्ट स्पीसीज हैं उनके नहीं मर वो नहीं मरते हैं, वो इकोसिस्टम में बने रहते हैं, जिस कारण उनके जो नेचुरल एनिमीज हैं उन पे भी किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसका किसी प्रकार से कोई फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, ना ही इससे कोई पोल्यूशन होते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जस्ट लाइक ओनली चिविंग इंसेक्ट्स किल्ड नॉट सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि जो एंटीफिडेंट होते हैं वो प्लांट के अंदर प्लांट्स के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते, हमारे प्रोडक्ट के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते, ये सिर्फ ऊपर ही रहते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, जो कि चिविंग इंसेक्ट पे ही निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जो शकिंग पेस्ट होते हैं उन पे इसका किसी प्रकार से कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये एंटीफिडेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो इंसेक्ट उससे मरता नहीं है, इस कारण एंटीफिडेंट का यूज़ करने से जो इंसेक्ट पेस्ट है वो अनट्रीटेड होस्ट को आसानी से खोज लेते हैं, और न्यू ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट प्रोटेक्टेड। इसमें अगर नया प्लांट में अगर कोई न्यू ग्रोथ होता है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसके लिए हमें फिर से केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। सो इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ
डिसएडवांटेजेस भी हैं। देन नेक्स्ट इज इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट दैट मीन्स ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे मीडियम जो कि पेस्ट को हमारे उत्पादों से, हमारे फसलों से, हमारे पशुओं से दूर रखते हैं, वो इंसेक्ट रिपेलेंट कहलाते हैं, मतलब उनको दूर रखने का काम करते हैं। एंड एन इंसेक्ट रिपेलेंट आल्सो नोन इज कॉमनली कॉल्ड बग स्प्रे इज अ सब्सटेंस अप्लाइड टू स्किन, क्लोथिंग और अदर सरफेस विच डिस्करेज इंसेक्ट्स फ्रॉम लैंडिंग और क्लाइंबिंग ऑन द सरफेस। दैट मीन्स ये जो है इंसेक्ट रिपेलेंट जो है किसी प्रकार के हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनसे पेस्ट को दूर रखने के काम करते हैं। जो रिपेलेंट्स होते हैं उसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप के इंसेक्ट रिपेलेंट हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिजिकल रिपेलेंट एंड सेकंड वन इज केमिकल रिपेलेंट। फिजिकल रिपेलेंट में कॉन्टैक्ट रिपेलेंट जस्ट लाइक वैक्स और ऑयल, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे फिजिकल रिपेलेंट का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं बैंडिंग। आम के तने के चारों तरफ हम ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल या वैक्स का लेप लगाते हैं जिससे कि मिलीबग ऊपर ना चढ़ सकें। इसी तरह से दूसरा है ऑडिटोरी रिपेलेंट्स, इसमें कुछ एम्पलीफाइड साउंड्स, मेक यूज ऑफ एम्पलीफाइड साउंड्स, कुछ फ्रीक्वेंसी के, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साउंड्स निकाले जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को दूर रखने के या पेस्ट को दूर रखने के काम आते हैं। देन नेक्स्ट इज बैरियर रिपेलेंट, टार बैंड और मॉस्किटो नेट। एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है बैरियर रिपेलेंट का या फिजिकल रिपेलेंट का वो है मॉस्किटो नेट, जो कि हम रात में मॉस्किटो नेट लगा के जब सो जाते हैं तो मच्छर रहते हैं, हम मच्छर को मारते नहीं हैं बट मच्छर हम तक भी नहीं पहुंच पाते, हम उनसे बचे रहते हैं। देन नेक्स्ट इज विजुअल रिपेलेंट। विजुअल रिपेलेंट मेक यूज ऑफ येलो लाइट, येलो लाइट से इंसेक्ट्स जो है दूर भागते हैं। सो विजुअल रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं येलो लाइट का। देन एंटीफिडेंट जो कि उनको खाने से रोकते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिपेलेंट इज केमिकल रिपेलेंट। केमिकल रिपेलेंट जो कि इंसेक्ट्स को या पेस्ट को हमारे प्रोडक्ट से दूर रखते हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्लांट ओरिजिन, जैसे कि सिट्रोनेला ऑयल या कैम्फर या सीडार वुड एंड लेमन ग्रास ऑयल एट्सेट्रा। और सिंथेटिक और सिंथेटिक केमिकल में डाईमेथाइल फ्थैलेट, नेफ्थलिन बॉल, बोर्डेक्स मिक्सचर एंड अदर केमिकल स्मॉग जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट एट्रैक्टेंट। इंसेक्ट एट्रैक्टेंट दैट इज अ केमिकल दैट ल्यूर्स इंसेक्ट टू अ ट्रैप, देयर बाय रिमूविंग देम फ्रॉम द क्रॉप्स, एनिमल्स और स्टोर्ड प्रोडक्ट। दैट मीन्स हम इंसेक्ट एट्रैक्टेंट जो होता है उसको हम हमारे प्रोडक्ट के आसपास हम कहीं रखते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाने वाले, हमारे उपज को, हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट या जो कुछ ही पेस्ट हैं वो एट्रैक्टेंट पे अटैक करे और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा मेन फसल है वो उससे बचा रहे। जैसे एट्रैक्टेंट के रूप में हम ट्रैप क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं या गार्ड क्रॉप का यूज़ करते हैं या अदर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जस्ट लाइक शुगर सिरप का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फेरोमोन का भी, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप भी एक तरह का एट्रैक्टेंट हो सकता है। बात करते हैं टाइप ऑफ एट्रैक्टेंट के, तो सबसे पहले आता है इसमें फेरोमोन। फेरोमोन एक तरह का सेक्स हार्मोन होता है, इसको हम एक्सटर्नल हार्मोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फेरोमोन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अलार्म फेरोमोन, फूड ट्रेल्स फेरोमोन, सेक्स फेरोमोन एंड
अदर कई टाइप के फेरोमोन, जिसमें से अलार्म फेरोमोन या ट्रेल फेरोमोन जो होता है ये सोशल इंसेक्ट्स इसका मेनली यूज़ करते हैं, और सेक्स फेरोमोन हर प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं सभी इंसेक्ट्स वो अपने जो ऑपोजिट सेक्स के जो इंसेक्ट होते हैं उनको मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये फेरोमोन रिलीज करते हैं। तो फेरोमोन जो है एक तरह से केमिकल होता है जिसको इंसेक्ट सीक्रेट करते हैं अपने बॉडी से आपस में मैसेज पहुंचाने के लिए, या उसी स्पीशीज के जीवों में उसी स्पीशीज के अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें उनको मैसेज पहुंचाने के लिए ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको हम फेरोमोन के नाम से जानते हैं। देन हम यूज़ कर सकते हैं फूड लेयर्स। फूड लेयर्स जो है ऐसे केमिकल होते हैं जिसको जिसका जब हम यूज़ करते हैं तो इंसेक्ट्स उनको फीड करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और हम उसमें किसी प्रकार का पॉइजन या केमिकल डाल के उनको मार भी सकते हैं। केमिकल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल होस्ट दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर फीडिंग, दे स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये जो है इंसेक्ट्स को अपने तरफ आकर्षित करते हैं खाने के लिए, फीड करने के लिए। देन नेक्स्ट इज ओविपोजिशनल लेयर्स। ओविपोजिशनल लेयर्स में ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है या ऐसे प्लांट्स या ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो कि इंसेक्ट को अंडे देने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कॉर्न पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अंडे देने के लिए, कॉर्न पे अट्रैक्ट होते हैं अंडे देने के लिए, और जो ओविपोजिशनल ल्यूर्स होते हैं इसका जब हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट वहाँ पे अंडे देते जरूर हैं बट उनके अंडे वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते या उनके लार्वी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते। देन नेक्स्ट इज पॉइजन बेट। पॉइजन बेट का हर कोई यूज़ करता है चूहों। सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है चूहों को मारने के लिए हम पॉइजन बेट का यूज़ घर में आसानी से करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फूड लोअर्स एंड पेस्टिसाइड। ये जो पेस्ट होते हैं उनके भोजन, उनके खाने की चीज़ और पेस्टिसाइड का मिक्सचर होता है जिसको खाते ही पेस्ट जो है वो मर जाए। अट्रैक्टेंट जो हैं इनके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनके एडवांटेज की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड स्पीसीज पे ही नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। देन इकोसिस्टम को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और कैन बी यूज्ड फॉर मास ट्रैपिंग। इसको मास ट्रैपिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये किसी प्रकार से इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता, बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इंसेक्ट या पेस्ट जो है हमेशा अनट्रीटेड होस्ट खोज ही लेते हैं, एंड इट इज़ नॉट ए सोल सोर्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। ये जो है इंसेक्ट कंट्रोल का कोई सोल सोर्स हम इसको नहीं मान सकते। देन नेक्स्ट इज जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल। जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल में हम कुछ इस प्रकार से टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि जेनेटिक रूप से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होता है। जेनेटिक कंट्रोल इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट स्पीसीज, जिसमें हम वाइल्ड स्पीसीज या जो पेस्ट स्पीसीज होते हैं उनमें स्टेरिलिटी का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन स्टेराइल मेल्स डिपेंड ऑन द मेटिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रिलीज मास बीइंग एडिक्वेट इन रिलेशन टू द रिकवरी पोटेंशियल एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन इन टू द टारगेट पॉपुलेशन। हम
इसमें जेनेटिक कंट्रोल में कुछ जो तकनीक का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टराइल मेल को रिलीज़ करना, या जो कि फीमेल के साथ मेटिंग करने पे भी जो इंसेक्ट हैं वो अंडे ना दे सकें या फर्टिलाइज अंडे ना दे सकें, जिससे कि उनका जनरेशन आगे ना बढ़े। देन नेक्स्ट इज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो है IGR, हम जिसका यूज़ करते हैं, ये कई प्रकार से हो सकते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इंसेक्ट के ग्रोथ, डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ ग्रोथ रेगुलेटर्स या कुछ हार्मोन्स जो है नेचुरली इंसेक्ट्स की बॉडी पे काम करते हैं, बट इनको हम आर्टिफिशियली इनके पेस्ट के कंट्रोल के लिए हम आर्टिफिशियली भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन कॉजेज डिफेक्टिव क्यूटिकल फॉर्मेशन। मोल्टिंग हार्मोन जो है जिसका हम यूज़ करते हैं, मोल्टिंग हार्मोन नेचुरली इनके इंसेक्ट्स के मोल्टिंग में हेल्पफुल होते हैं, बट हम इनके मोल्टिंग हार्मोन को आर्टिफिशियली यूज़ करके इनके मोल्टिंग प्रोसेस को डिसबैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि समय से पहले ये नष्ट हो जाएं। देन जुवेनाइल्स, जुवेनाइल हार्मोन जिसे कहा जाता है, जुवेनाइल हार्मोन जो है ये कंपाउंड हैविंग जुवेनाइल हार्मोन फाउंड इन अ पेपर मेड ऑफ बल्सम फर ट्री। बल्सम फर ट्री से बनाया जाता है। ये जुवेनाइल हार्मोन्स का कंपाउंड होता है जो कि इनकी जुवेनाइल फॉर्म, दैट मीन्स इनके लार्वल स्टेज को मेंटेन करने के काम आते हैं। तो इनके लार्वल स्टेज में भी डिसबैलेंस हो सकता है इस हार्मोन के, इस आर्टिफिशियल हार्मोन के मदद से। देन एंटी जुवेनाइल हार्मोन कंपाउंड विच वुड एंटोगोनाइज द जुवेनाइल हार्मोन एक्टिविटी एंड डी अरेंज द इंसेक्ट डेवलपमेंट। इंसेक्ट डेवलपमेंट को डी अरेंज कर, रीअरेंज की जगह डी अरेंज करने का काम करता है। दे अफेक्ट इंसेक्ट डाइपल्स रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के मोल्टिंग के समय काम करते हैं। चूँकि इंसेक्ट्स के मोल्टिंग के समय उनके न्यू क्यूटिकल्स बन रहे होते हैं, न्यू क्यूटिकल्स सिंथेसाइज होते हैं, तो क्यूटिकल जो है मेनली काइटिन और प्रोटीन से बने होते हैं। तो जब क्यूटिकल बन रहा होता है उस समय काइटिन सिंथेसिस उनकी बॉडी में होते हैं। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है काइटिन के सिंथेसिस को रोक देता है, जिस कारण उनमें जो मोल्टिंग प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, और इस प्रकार से इंसेक्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।